हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है किसी की अकल ठिकाने आ रही है तो क्या हो रही है वहाँ की सिचुएशन या उस पर्सन की हालत, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 मैसेजेस लेंगे। तो शुरुआत करते हैं टैरो से। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और ये हो गए 7। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स का, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। राइट नाउ ये पर्सन अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा बर्डन के साथ चल रहे हैं। एक एक लम्हा उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये पल मुझसे जिया नहीं जा रहा, इतना बोझ उनके दिल के ऊपर ये फील कर रहे हैं। और ये उनकी पैशन का है, यानी कि एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे। जैसे यहाँ पे ये पर्सन इस पूरी गठरी को जैसे उठा के एक साथ ले जाना चाहते हैं लेकिन उसको लगता है कि उसके बस की बात नहीं है, वैसे ही हालत उस पर्सन की हो रही है। हो सकता है उनको जिंदगी में काफी स्पीड लेके आगे बढ़ना है लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सामने दिक्कतें इतनी ज्यादा है कि वो छोटा सा भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, वैसा ये खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, ऐसा खुद को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बर्डन उनके पैशन का हो सकता है, उनके जज्बातों का हो सकता है, उनकी फीलिंग्स का हो सकता है। यही बर्डन शायद, मतलब इतना सारा 10 मतलब कम्प्लीशन का भी कार्ड होता है तो शायद इन्होंने ये सब पैशन आपसे दूर रखा था। यानी कि अगर हमारा टॉपिक ही है कि किसी की अकल ठिकाने आ रही है तो इस पैशन को लेके वो शायद किसी और दिशा में चले गए थे। उन्हें लग रहा था कि मे बी आप उनके लिए सही पर्सन नहीं है और अभी जब उन्हें पता चल गया है कि इतने सारे पैशन का मैं करूंगा क्या, जिसका मुझे एक्सपेक्टेशंस कुछ थे वो तो पूरे नहीं हो रहे, और उसी गठरी को जैसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहा है, ऐसा ये पर्सन राइट नाउ कर रहे हैं। यानी कि ये जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और जैसे एक एक वैंड किसी को रिप्रेजेंट करना, वैसा करने से ज्यादा वक्त जाएगा, इसलिए ये एक साथ ही ये सब एक्शन मोड में लाना चाहते हैं। मतलब इस इन एक्शन मोड से ये एज सुन एज पॉसिबल बाहर निकलना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जिंदगी जैसे एक बर्डन बन गई है, बोझ बन चुकी है और इस बोझ से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे क्वीन ऑफ वैंड्स होती है वो बहुत ज्यादा पैशनेट होती है और उसके अंदर एक जज्बा होता है, और ये कार्ड अगर रिवर्स आया है तो ये पर्सन अपनी पैशन के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हो सकता है पास्ट में इनके कुछ लव अफेयर्स वगैरह भी काफी ज्यादा थे। अगर ये दिखने में भी अच्छे खासे हैं तो हो सकता है इनको खुद के दिखने के ऊपर भी काफी ज्यादा घमंड था। उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने अगर सोच लिया या मैंने सिर्फ डिसाइड भी कर लिया तो मैं किसी को भी पा सकता हूँ या किसी को भी पा सकती हूँ, और वही उनका घमंड टूट चुका है जब उन्हें अपनी लाइफ में ऐसा राइट नाउ कुछ बर्डन फेस करने को मिल रहा है। नेक्स्ट है एम्प्रेस। तो जैसे एम्प्रेस का कार्ड है, ये कार्ड यही बताता है कि आपकी तरफ उन्हें अभी भी एक डीप अट्रैक्शन महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके लिए उनके दिल में अभी भी ढेर सारे जज्बात। कहीं ना कहीं अगर आपने इस पर्सन को अपने दिल के जज्बात पहले अगर रिवील कर दिए थे तो ये पर्सन आज भी सोचते हैं कि वो अगर कोशिश करे तो क्या पता
आप उन्हें एक और चांस जरूर देंगे या जरूर देंगे। इस तरह की बातें उन्हें आपके लिए महसूस हो रही, यानी कि उन्हें लगता है कि आप शायद बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक दिल इंसान हैं, जो दूसरों की प्रॉब्लम समझ के लेने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ आप सिचुएशन को भी समझने की कोशिश करते रहते हैं, जिसकी वजह से भी इन्हें आज भी ये उम्मीद है कि वो आपसे कुछ कहेंगे या फिर थोड़ी सी माफी वगैरह मांग लेंगे, तो शायद आप उनको माफ करके एक चांस दोबारा दे देंगे। फिर है टेम्परेंस का कार्ड। जैसे यहाँ पे दोनों कप्स हैं, यानी कि कप भी है, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ये प्यार अभी भी इस रिश्ते में बाकी है। भले ही आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों के हो सकता है ब्रेकअप वगैरह भी हो चुके हैं, तो भी ये पर्सन आज भी सोचते हैं कि नहीं, वो मेरे बारे में आज भी सोचता है या सोचती है। जैसे यहाँ पे एंजल इस दोनों कप को देख रहे हैं, वैसे ही हो सकता है आपके पर्सन कुछ मैनिफेस्टेशन वगैरह कर रहे हैं आपको दोबारा वापस से पाने के लिए। फिर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे क्लियरली दो क्वींस आई है। जैसे ये क्वीन भी आई थी क्वीन ऑफ पैंट्स की, और जो रिवर्स कार्ड था, और ये क्वीन क्वीन ऑफ सोर्ड की है। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है एक कोई क्वीन थी या किंग था जिसने इन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, उनके साथ इनका शायद ब्रेकअप मेकअप हो गया है, और शायद इसीलिए अब ये मेकअप के लिए आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि रीयूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे जैसे इस क्वीन के हाथ में एक सॉर्ड है, वैसे ही उन्हें लगता है कि कुछ बातें वो अगर क्लियरली आपको बोल देंगे तो आपका दिल तो बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर जो रिप्रेजेंट करता है इस पर्सन के दिल के जज्बात को, उन्हें लगता है कुछ बातें क्लियर कर देंगे तो आप उन्हें माफ कर देंगे या कर देंगे, और इसी माफी की वजह से शायद वो दोबारा इस उम्मीद में है कि ये रिश्ता और आगे बढ़ सकता है। फाइनल कार्ड है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अब तक काफी बातें थी जो इन्होंने आपसे हाइड करके रखी थी। जैसे यहाँ पे इसके हाथ में एक सॉर्ड है, यहाँ पे पीठ के पीछे भी उसने ढेर सारी सॉर्ड्स ले रखी है, और साथ में कुछ फ्लावर्स वगैरह लेके आगे की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अब उसे एज सून एज पॉसिबल आपकी तरफ बढ़ना है। तो एक छोटा सा रोमांटिक गेस्चर भी वो आपको देना चाहते हैं, एक छोटी सी डेट के लिए भी शायद आपको पूछ सकते हैं, और इतनी सभी बातें शायद वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। मतलब सिर्फ आपको ऐसा पूछेंगे कि सुनो ना, काफी वक्त से नहीं मिले हैं, एटलीस्ट एक बार मुझे एक चांस तो दो अपनी बात रखने का, मुझे क्या कहना है वो तो सुन लो, और साथ ही साथ ये फ्लावर्स देके आपकी तरफ उनके जज्बात अभी भी क्या है ये भी आपको बताना चाहते हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। सीरियल रिलेशनशिप्स, जैसा कि पहले हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जनरल रीडिंग है, सभी लोगों के साथ ये कार्ड नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग चल रहा है वो पर्सन थोड़ा सा कुछ सीरियल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व था, यानी कि एक और पर्सन उसके साथ और कोई, तू नहीं और सही और नहीं और, ऐसा कुछ शायद इनका अफेयर्स का सिलसिला वगैरह चलता रहता था, जिसकी वजह से शायद इन्होंने जिंदगी में कभी प्यार को सीरियसली लिया ही नहीं, और अब जब उनकी अकल ठिकाने आ रही है तो उन्हें एहसास हो रहा है कि सच्चा प्यार तो वो था जो आपने उन्हें ऑफर किया था, और अब उस प्यार की अहमियत वो समझ चुके हैं, शायद इसीलिए अब इस तरह से भागे दौड़े आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे। इनिशियल फीलिंग्स, तो वो अपने दिल के जो जज्बात है वो क्लियरली आपके सामने रखना चाहते हैं, यानी कि वो प्यार करते हैं तो क्या क्या मतलब है, उनके दिलो दिमाग में क्या बातें चल रही है, ये सब आपको क्लियरली बोलना चाहते हैं। फाइटिंग फॉर अटेंशन, हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ से अटेंशन पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अगर व्हाट्सएप वगैरह भी आप हैं और ये पर्सन भी है, तो हो सकता है अपना डीपी वगैरह ऐसा सैड रख रहे हैं कि आप उनको देख के शायद फील करें कि हे भगवान, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था, ये पर्सन ने अपनी हालत क्या कर ली। हो सकता है कुछ ऐसे स्टेटस वगैरह डाल रहे हैं ताकि आपका ध्यान उनकी तरफ जाए और आप सामने से पूछे कि आर यू ऑलराइट, तुम ठीक तो हो ना, ये क्या हालत बना रखी है। तो वो चाहते हैं कि आपका जो ध्यान है वो उनकी तरफ खींचा जाए, और इसलिए शायद ऐसे पर्सन कुछ कोशिश कर रहे हैं। रियूनियंस, तो ये आपके साथ एक रियूनियन के बारे में शायद काफी ज्यादा ट्राई कर चुके हैं, और राइट नाउ भी वो उसी कोशिश में रियूनियन के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं, यानी कि पहले भी शायद इन्होंने ऐसा कुछ किया हो सकता है जिसके लिए शायद आपने मना किया हो सकता है कि नहीं मुझे नहीं मिलना, या फिर आई डोंट थिंक सो, लेकिन बार बार अभी इनका यही चल रहा है कि नहीं मुझे किसी भी हालत में ये रियूनियन चाहिए मतलब दोबारा वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं इन अ रोमांटिक वे। रॉकी पैच, राइट नाउ ये पर्सन जिंदगी के एक बहुत बड़े रॉकी पैच से गुजर रहे हैं, यानी कि उनका रास्ता जो है, जैसे पहले ही हमने कार्ड में देखा कि वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, मुश्किलों से भरा
ये उनका लम्हा है, और जैसे ये जिंदगी का बोझ उठा के चल रहे हैं, वैसे ही उन्हें लग रहा है कि मुसीबतों में राइट ना उनका साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। और कहते हैं ना, मुसीबत के वक्त सिर्फ अपने याद आते हैं, और ऐसी ही शायद इस पर्सन की हालत हो रही है जिसकी वजह से इनकी अकल इस तरह से ठिकाने आ रही है। नेक्स्ट है लव टू सेल्फ। तो हो सकता है ये पर्सन सेल्फ सेंटर बहुत ज्यादा थे, इन्होंने खुद के अलावा कभी भी शायद किसी से भी प्यार नहीं किया था, लेकिन अब जब वो प्यार क्या होता है, किसी की परवाह करना, किसी का ख्याल रखना, किसी का अपने साथ होना, सुख दुख शेयर करते रहना, ये सब वो जब फील कर रहे हैं कि ऐसा करने के लिए तो मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ या अकेले ही हूँ जो जिंदगी से हर एक लम्हे में एक लड़ाई कर रही है या कर रहा है, तब उन्हें एहसास हो रहा है कि किसी का इनके साथ होना कितना जरूरी है। और फाइनल कार्ड है ऑब्स्टेकल्स। तो काफी दिक्कतों भरा इनका ये सफर चल रहा है, और जैसे कहते हैं ना, मुसीबतें बहुत कुछ सिखा जाती है, वैसे ही शायद ये मुसीबतें आपके पर्सन को कुछ समझा रही है, कुछ सिखा रही है, जिसकी वजह से इस तरह से इस पर्सन की अकड़ ठिकाने आ रही है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।